भरत प्रिया राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लखन सिया राम चंद्र की जय। तुलसी महारानी वो
या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या सुप्र वस्त्राभृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मसुत शंकर प्रभृति भी दिवै सदा वंदिता समापतु सरस्वती भगवती निःशेष जाग्या पहा निःशेष जाग्या पहा जय हो जय सरस्वती माई 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 धवनी वासकी मंजर वाहन हाथ खड़े कोने की
सन मजुरवा बन हाथ धरे गुण गीता फूल कमल कस सोगे बाजे रुन झुन रुन झुन पीना हो जय सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई पाले मानुष बुढ़ा दोनिया कारत जाए जासे रज सुख देव भजे गुण शेष गणेश बखाने जय हो जय सरस्वती माई 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 हो जय सरस्वती माई जय 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 हो जय सरस्वती माई बोली रज रामचंद्र की जय ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती देवी नमः तुलसीदास जी के पद कमल बारम बार मनाऊं गुण गावां सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय विश्व वंदनी भारत मां दुलोरिन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र कोरा पुण्य धर धाम हमर जिला के हृदय स्थल पावन ग्राम सिंघौरी के पावन धरती मां त्रिदिवसी सत्वर रामचरित मानस गान प्रतियोगिता सम्मेलन के आयोजन यही छत्तीसगढ़ अंचल के रहियत आप हम सब यही जिला खमू मनहरन जिले के थन जय गंगा माँ मानस परिवार गांव नेवनारा चंडी आश्रम सिद्धपीठ माँ चंडी के श्री पावन चरण बिल्ला कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करो सिंघौरी गांव की पावन माटीला माथ में चंदन तिलक लगावत हमर जिला में निवासरत माता भद्रकाली के पावन धर धाम सिंघौरी के पावन धरती के पावन माटीला माथ में चंदन तिलक लगावत यहाँ के ठाकुर देवता शीतला महामाया श्री सीताराम श्री हनुमान लला जी के श्री पावन चरण बिल्ला कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करत प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनी संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरण कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करत उच्च आसन में बैठे त्रिदिवसीय सत्वर रामचरित मानस गान प्रतियोगिता के बुद्धिजीव निर्णायक हंस के समान दूध और पानी के अर्घ निर्वहन करैया मोर गुरु जी मन के पावन चरण में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करत हमर जिला के बहुत बड़े महान गौरव जामवंत के समान जिन आवाज के धनी स्वर के कोयल भाखा के निकलैया हमर आदरणीय मोर गुरु जी उसमी से जिन आए हैं आप सबके बीच में जोरदार हमर गुरुदेव ले ताली हो जाए मन संचालन जैन आप सब एक सूत्र में बांध है आवाज से नहीं जिन विगत वर्ष से जिन अनेक मंच में हमर छत्तीसगढ़ के जिन बहुत ख्याति नाम से जानते हैं कोटि कोटि में प्रणाम करता हूं गुरु जी ला और ए रामचरित मानस के भागीरथी बन के राम रूपी बगियाला सजिया आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी भाई आप सबके पौरी में कोटि कोटि प्रणाम हृदय से स्वीकार करो
अब ये राम बगियल सजाए खातिर राम फुलवारी बनाए खातिर अपन कड़ी मेहनत पसीना के कमाई ला राम यज्ञ में सम्मिलित करैया जम्मो मोरिया के दानी मोर बहनी भैया आप सबके पौरी में चरण छुके प्रणाम है हृदय से स्वीकार करो। अब जतका जन मीर दाइमन बहनी भी आप छोटे बड़े लेका सियान जवान जतका जन आप राम और मैंने भी श्रद्धा भक्ति विश्वास रख के बैठे हो आप सबके पावन चरण बिंद में जय गंगा माँ मानस परिवार ने नारा चंडी आश्रम डहल चरण छुके प्रणाम है दाई हो हृदय से स्वीकार करो। मन तो लगत है जतका जन दाई मन बहनी मन भैया मन आप सब राम कथा सुने बर बैठे हो आप सबो के तीर में जा जाके चरण ल छु छु के पाँव ल पर लेते आशीर्वाद ल ले लेते हो कह के दाई हो लेकिन एक जन के पाँव परत लेना हमर मन के बेरा खसक जे काबर समय बहुत कम है तो आप सब ल एक बार नहीं हजार बार बारम्बार मोर प्रणाम है हृदय से स्वीकार करो। चलो जिन प्रसंग मिले हैं उमत तो जाबे करबो लेकिन आप हम सब मिल के पूर्ण बम परमात्मा भगवान ल बड़ा ए बेला ल बड़ा महत्वपूर्ण बेला के है दो बेला जीवन में महत्वपूर्ण बेला है दाई आत्मा परमात्मा के मिलन के बेला भक्त और भगवान के मिलन के बेला जी और जीव के मिलन के बेला वर वधु के मिलन के बेला गुधेली बेला जिन गौ माता के अगुवाई के बेला और कह सकते पानी ग्रहण के बेला जिन जीवन के बहुत शुभ रहस्य बेला है जिन बेला में आप सबसे कलाए हैं जुड़ियाए हैं काकर कारण भगवान पूर्ण बम परमात्मा दिन बंधु दीनानाथ संसार के मालिक जी कर नाम स्तुति सुमरण मात्र से इस जीव की कल्याण मुख्य परमात्मा के जीवन गाथा आप हम सब जुड़वो तृतीय सोपान आरण्य कांड की यात्रा आप हम सब करवो। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में सात कांड लिखी दाई हो और लेकिन जैन कांड के हम लोग बंटवारा मिले हैं वो कांड के नाम है तृतीय सोपान आरण्य कांड। आरण्य कांड ल पेट के कांड घलो के है और पेट हमर शरीर के का चीज ल जानबो लेकिन एकर पहले आप हम सब मिल के ओ पूर्णवम परमात्मा ले याद करबो ताकि आज मु सिंघोरी गांव के जम्मो नर नारी मन यहाँ के पूर्वासी मन यहाँ के संत मन मोला याद करत कह के आप सबके तालिका आवाज में जरूर सुनी आप सबके मनोकामना भगवान जरूर पूरा करी। तो आप सबसे निवेदन ताली बजाए से पहले हाथ उठाने भैया हो चलो निवेदन है आप सबसे हाथ उठाओ उठान दाई और माथा तो सबला हाथ उठाना है जेकर हाथ हो जरूर हाथ उठाई भगवान के नाम से दाई मन मोर सीता मैया डहर है जेकर हाथे नहीं हो थोड़े उठाई भैया ऐसे हो रमा रही हो फिर चलो दाई मन मोर सीता मैया डहर है मोर भैया मन मोर राम दल में है चलो जिन दाई मन श्रद्धा भक्ति विश्वास से सीता मैया माना हो तो जरूर हाथ उठी जेकर यज्ञ करावत हो जिन भैया मन जेकर यज्ञ करावत हो आप दान करे हो राम प्रभु राम के नाम से राम यज्ञ में तो जरूर प्रभु मानत हो तो हृदय से प्रभु के नाम से हाथ उठना चाहिए। जैन दाईमन सीता मैया त्याग के सुरपनखा डहर हुई ना ओकरे हाथोर में रही कतको जन सुरपनखा डहर थे मोर चलो मोर भैया मन रामदल में है बढ़िया ये दे हाथ उठाओ भैया आपसे निवेदन है और मोर दाईमन सीता दल में हो जोरदार ताली के साथ जयकारा लखन सिया रामचंद्र की। तो बोल कई जन दाईमन हाथ ल धरे बैठ गिरो घी मन डायमन के ताली कब सुनाते जानते हो जब झगरक नंबर आई ना ते पारक तालियान पालक सुना जी कछोरा भीर भीर के ताली बजाए और भगवान के नाम में ताली बजाए बरते कंजूसी करत देखो दाई जिन भगवान के नाम में ताली बजाते वो और जिन भगवान के नाम में ताली नहीं बजावे जिन भगवान के नाम में ताली बजाते ना वोकर में एक पाप हा चुप हाथ धरे बैठे रही ठोकरे में जाग समा थे दूसर के पाप लगो है भरजन बजा हम लोग का कर रहे हैं। एक दिन की घटना है मुला बात सुरता आते है डेरी हाथ न जीवनी हाथ लड़े भैया काबर जानता भगवान तू ही चल सरेक थे कामा दान पूर्ण योग हवन पूजा नारात ना सात ना भजन जम्मम तू ही चल सरेक थे आर्थिक बिर खाली मुला को नील धरा देते कौन का है डेरी हाथ कौन हाथ ला जीवनी हाथ ला ते जीवनी हाथ सत्कर्मक प्रति के भैया ये धर्मक प्रति के एक ही देख रहे भाई हमन दोनों पड़ोसी जी और पड़ोसी पड़ोसी झगड़ा हो और भैया तो काम नहीं बना ते काम करथन तब सबके न्याय करिए भगवान चल दोनों जन भगवान के शरण में जाओ दोनों जन की दाई हो डेरी हाथ तो जीवनी हाथ भगवान भगवान ने निवेदन करी डेरी हाथ कर भगवान मैं कौन जन्म का पाप कर रहे हैं हर काम में हर पुण्य काम में ते जीवनी छात्र सरेक थक आर्थिक पर कोहनी छोड़ो कहीं ठेका नहीं अभी अभी एक ठिन बुता बंद हो सेप्टिक के बने रही लोटा डब्बा घोलो ठेका तो डेरी हाथ देख रहे किस भगवान की देख रहे डेरी हाथ जेकर संते विरोध करत हत बैर करत हत दुश्मनी करत हत परस्पर प्रेम कर ले बिना तो तुर कल्याण हो तो बता दे महाराज मोर कल्याण हो कि आपके शरण में आए हैं प्रभु जी तो भगवान की देख मेरे हाथ जिन जगह में रामायण भगवत गीता ग्रंथ महापुराण हो जाए वो जगह में कहूं जीवनी हाथ सर मोर नाम से ताली बजा ले मेरे डेरे हाथ
करतल ध्वनि के आवाज न निकाल ले तो तुर हाथ के रेखा टेढ़ गए तेनो सोझिया जी। अब तुर जीवन में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे दाई हो कोनो मेरी चिड़ई बैठे रही थे और चिड़ई का गुम फट ले तालील हम बजा देते तो चिड़ई बिचारी की कुड़ा जाते। वैसे हमारे अंतर में भीतर उंडी में काम रूपी पक्षी लोभ रूपी पक्षी मोह रूपी पक्षी बैठे हैं। एला दूर करे की सुंदर दवाई कोने की करतल ध्वनि की आवाज आप सबसे निवेदन है। एक बार पुनः निवेदन हाथ उठा के जोरदार ताली हो जाए। लखन सिया रामचंद्र की जय। करुणामय दयामय वत्सल्यमय ममतामय राम उदमेण में श्रद्धा भक्ति विश्वास रखिए। आओ तृतीय सोपान अरण्य कांड की पावन यात्रा। बाबा संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में सात कांड में और सबो कांड के नाम बड़ा विस्तार से अलग अलग। पहली कांड के नाम प्रथम सोपान बाल कांड इकर नाम बाल कांड का रख। भगवान के जी जन्म हुई बाल लीला बाल लीला बाल महोत्सव बाल कीड़ा गोस्वामी जी किसने एक नाम प्रथम सोपान बाल कांड होना चाहिए। फिर वो आगे बढ़ जाए तो द्वितीय सोपान अयोध्या कांड इकर नाम अयोध्या कांड का वर्ण रखे को स्वामी जी महाराज। आ माने आस्था यो माने योग साधना धा माने ध्यान या माने याचना जहां ज्ञान जप तप योग हवन पूजन आराधना साधना पवित्र भूमि के नाम अयोध्या जहां युद्ध ना वो भूमि के नाम अयोध्या। तो द्वितीय सोपान अयोध्या कांड और को आगे बढ़ जाए जिन हम प्रसंग के बंटवारा मिले हैं वो प्रसंग के नाम ही दोहा क्रम सोठा क्रमांक दो। गोस्वामी जी महाराज अपन पंक्ति में बढ़िया बात कही और एकर एक कांड के नाम काकी किन्ही मोह बस द्रोह जदपि तेह कर बदई उचित प्रभु छाड़े कर छोह को कृपाल रघुवीर सुमु। सोठा की पावन यात्रा आप हम सब अरण्य कांड हम और आगे बढ़ जिन दिन कांड के बंटवारा है तो कांड के नाम तृतीय सोपान अरण्य कांड। अरण्य माने जंगल कांड वन कांड। जब पूर्णम परमात्मा भगवान राम दीन बंधु दीनाना संसार के मालिक यानी ब्रह्म ज्ञान और माता जगत जननी भक्ति रूपी सीता यानी सीता कौन है सीता भक्ति के प्रतीक की माता जगत जननी सीता और वैराग्य यानी लक्ष्मण जी जब तीनों की यात्रा जंगल में होते हैं और यहाँ पुनवम परमात्मा ने छाया देते जहाँ सुख के छाया देते तो गोस्वामी जी मन में विचार कर गए थे एकले ये वनले बड़ा भागी हो कौन हो सकते ये जंगल ले कौन बड़ा भागी हो सकते ते कांड के नाम का होना चाहिए तृतीय सोपान अरण्य कांड होना चाहिए। अब जिन यही कांड की यात्रा हम आप सब आज अत्रि मुनि के आश्रम में पुनवम परमात्मा दीन बंधु दीनानाथ संसार के मालिक साथ में माता भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जब यात्रा होते अवकाश सत्संग की यात्रा में जुड़ो एक छोटकिन भजन के पश्चात। लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत प्रिया रामचंद्र की जय। भरोसा
सहरा माँ बूढ़ी जातो रे कहूँ हो तो मैं चिड़िया राम रामायण में श्रद्धा भक्ति विश्वास रखिए। आओ तृतीय सोपान अरण्य कांड की यात्रा, जहां पुनवम परमात्मा दीनबंधु दीनानाथ संसार के मालिक भगवान अत्रि मुनि जी के आश्रम में जब आगमन होते, जब पुनवम परमात्मा के आगमन लो देखते तो मुनि जी के जो हृदय है व्याकुल किन्न मोह बस द्रोह जतपि तेह कर बद उचित प्रभु छाड़े हो करी छो हो कृपाल रघुबीर। इकर पूर्व पुनवम परमात्मा कृपालु दयालु कणकण में व्याप्तमान है, सब्जी के भेद के जानने वाले किस गोस्वामी जी महाराज मेरे पंक्ति सोठा मोह वस द्रोह जो उनकर थे पूर्णवम परमात्मा ला जो हृदय कपट छल से जैसे जीवन में एक जयंत के कथल कही जयंत जी कहा पूर्णवम परमात्मा भगवान राम जहां फटिक शिला चित्रकूट के पावन धरती जहां एक फटिक शिला है जहां पूर्णवम परमात्मा भगवान राम सीता भक्ति प्रतीक माता जगत जननी सीता शक्ति शांति भक्ति लक्ष्मी सौंदर्य पवित्र का नाम माता जगत जननी सीता ला सुंदर चुन चुन फूल ला के माता सीता के श्रृंगार करते हृदय वर्ष इंद्र के पुत्र जयंत जो है भगवान की भक्ति रूपी से जो है भगवान से छल और प्रभु से विमुख हो करके छल रूपी जो ने जयंत जो है माता जगत जननी सीता के चरण लचोच मारते जेकर से पुनवम परमात्मा भी वो तो सब जीव के भेद के जानने वाले वो पापी के जब संहार करते सब लोग लिए जाते हो सब लोग सब स्थान ब्रह्म लोग सी लोग अपन पिता इंद्र के पास लेकिन कोई मेरे स्थान नहीं। तेरे पापी से भगवान से द्रोह करने वाले तो कर मेरे कोई स्थान होने वाले नहीं। लेकिन संत कौन था संत नारद जी महाराज की दृष्टि ओ दुखी देखकर नारद जी महाराज उगर पीड़ा ला देखकर इतना अधम पापी से भी पापी लेकिन संत के जो हृदय होते पोनी की तरह होते नारद जी की केवल दृष्टि वो जयंत के पीछे पड़ गए और किस कही नारद जी सलाह दिस आप पुनो मिल जाए जेकर बाण पीछो संगार करने वाले नहीं है लेकिन जेकर संत विरोध करे जेकर संत बैर करे जेकर संत दुश्मनी करे छल करे उकर शरणागति हो जा तो जीव के कल्याण हो वही लगी इसको स्वामी तुलसीदास जी महाराज कि नमोह बस द्रोह जद्यपि तेह कर बद उचित प्रभु छाड़े करी छोह को कृपा कृपाल रघुबीर सुम जिन कृपा के अने पापी से भी पापी अधम पापी भी भगवान की शरणागति हो जाए तो जीव की कल्याण हो जाए। तो अंततः नारद जी को ने नारद जी महाराज कई सने जिन वही नारद एक वाल्मीकि की जीवन यात्रा नारद जी के जीवन में रत्नाकर डाकू के नाम से जाने जाए लेकिन केवल संत के एक दर्शन से दृश्य मात्र से रत्नाकर डाकू कौन बन जाते वाल्मीकि जैन आज संस्कृत में राम चरित मानस के निर्माण जेला हमर छत्तीसगढ़ ही हिंदी मातृ और उर्दू कई भाखा ल संजो के हमर छत्तीसगढ़ ही भाखा ल भलो संजो के जेला संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सरल से सरल भाषा भाखा में पुरसी
आओ फिर भजन लखन श्री रामचंद्र की जय। आओ वो गीत में आप सब जोड़बो जिन अनुराग धारा में हमारे कविता आवाज निक दी जिन लक्ष्मण व सूर्य जी के लिखे रचना है स्वर्गीय लक्ष्मण सूर्य जी वो दिन की याद करबो वो दिन के सुरता करथन वो पोहना के सुरता करथन वो गीत के गोवियक सुरता करथन वो नहीं है लेकिन ओकर याद ओकर ख्याल ओकर पहचान ओकर छाप जरूर है। स्वर्गीय लक्ष्मण सूर्य जी कवि लेखक सम्राट आवाज के धनी साहित्यकार रचनाकार गीतकार हमर छत्तीसगढ़ के अन्य कई भारत अवार्ड सम्मान से सम्मान करेगी जेकर लिखे गीत हम महतारी बेटी भाई बहनी सह परिवार एक सूत्र में बैठ के जिन कान के द्वारा सुन के अपन जीवन में आत्मसात कर सके वो गीत के गवैया नहीं लेकिन सुरता ओकर याद ओकर पहचान जरूर दिलात है। स्वर्गीय कितार यदु जी जेकर गीत के गुनगुनाए गुंजाए वो सुरता वो पहुना हमार पुरखा और हमार संस्कृति के एक धरोहर के पहचान दिलात है। आदरणीय श्री ध्रुवराम मरकाम जी जेकर पत्नी स्वर्गीय दुखिया मरकाम ये दुनिया में नहीं लेकिन कुर सुखता ओकर याद दिलात ओकरो गीत हमने समय मिली त वो दुखिया दीदी के गीत के पहले हम आओ जिन हमर आदरणीय महान कवि रचनाकार जिन लक्ष्मण मस्तूर्य जी जेकर रचना आप हम सबके बीच में कविता वासनिक दीदी जिन गांव के हर गली खोर में गुंजायमान करी जिन गीत ला हम आप सबके बीच में हमर निशा बहिनी के शुरू में सुनथन लखन श्री रामचंद्र की जय। गीत के बोल ए जाने वाले ज्ञानी जी एक ठिन बात तो ते बता ये बस्ती में कौन बस्ती में ये माया छिपे है माया बसे है जेकर आत्मसात आप हम सब करें लखन श्री रामचंद्र की जय। वो जाने वाले की आने जी ये पास
खातिर गढ़ैया यो पोथी रचैया मन मन हिरे दे फरमाए हे मंदिर गढ़ैया यो पोथी रचैया मन मन हिरे दे फरमाए हे मानुस जोने के छोड़ महल तब रुपया ले देवता बनाए हे मानुस जोड़ी के छोड़ महल तब रुपया ले देवता बनाए हे बोलिए रज राम चंद्र की जय। चलो आप शुभ राम कथन जुड़ जाएंगे। तृतीय सोपान अरण्य गान। पुनः परमात्मा भगवान दीन बंधु दीनानाथ जब चित्रकूट की यात्रा करते आगे का चित्रकूट जहां चित हम आप सबके चित भक्ति भाव में रस में भरे कुट कुट के भगवान के प्रति भक्ति आराधना साधना की भावन के नाम चित्रकूट। गोस्वामी जी महाराज रघुपति चित्रकूट बसिनाना चरित्र क्रिय सुति सुतः समाना बहुरी राम अस्मन अनुमाना होहि भीर सबहि मोहि जाना। पुनबम परमात्मा भगवान राम जो है उसने मोहवश द्रोह के इसलिए जो है उसे दंड दिए जो छल करता है भगवान से विरुद्ध रहता है प्रभु के प्रति हमारे जीवन में आस्था का भाव याद करें हम हृदय में याद करें रामचरितमानस में ऐसा महान पात्र है जिसने तीन पात्र को महानता दिए गोस्वामी जी श्री राम प्रभु जी ने कौन पात्र कहे रामचरितमानस में एक महतारी कुमारी के दर्जे दिस एक कुमारी माँ के सम्मान करिस माता के दर्जे दिस एक कुंवारा पिता कहिस एक कुंवारा बेटा कहिस रामचरितमानस में जहां वही पुनबम परमात्मा भगवान अत्रि मुनि के आश्रम में जहां फिर आगे बढ़ी तो चित्रकूट के पावन धरती में विराजमान वहां नाना प्रकार के यानी संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी के बीच में भगवान जो है सत्संग की यात्रा की याद किए हैं भगवान को यानी हृदय में धारण करें याद याद को हम लिखें और याद को लिखने के पश्चात उसे विपरीत पढ़ें उल्टा पढ़ें तो याद को उल्टा हमें दया मिलता है। अत्रि मुनि जी के आश्रम में जब भगवान का आगमन हुए तो भगवान भी ने मुनियों ने जब उठा तो भगवान भी दौड़ जाते हैं प्रेम में मग्न होकर हृदय में गदगद हो जाते हैं और ये भी कहें अत्रि मुनि का माता अनुसुईया जो है वो भी जो है
वेद शास्त्रों नीतियों का ज्ञात्य। माता सीता ने उपदेश दी दाई कौन हमर जन अभी अत्रि मुनि के आश्रम में पुनबम परमात्मा भगवान राम माता जगत जननी की सीता के जब आगमन होते आगे कथा प्रसंग में मिले आप माता अनुसुईया की ही द्वारा माता सीता ज्ञान भक्ति और पतिव्रता धर्म के निर्वहन सिखाता। यही आश्रम जहां पुनबम परमात्मा निवास के वाजी में जीवन में हमर मन के ना माता अनुसुईया माता सीता बहुत नीति शास्त्र बात करी धर्म संगत बात करी पतिव्रता धर्म के निर्वहन के पालन करी। बेटी सीता यदि ससुर मैके ससुर तेलो जाना है ना तो पिता साक्षात ससुर पिता के समान है। बेटी सीता तुर साथ साक्षात तुर महतारी के समान है। छोटे जो तुर देवर है सब तुर भाई के समान दर्जा देवे। कोई गांव में हमारे से बड़े अतिथि आगे संत मुनि आगे महात्मा आगे बेटी उनका सत्कार सम्मान कर पतिव्रता धर्म के पति का हमेशा सम्मान करबे। कभी भी पति में हमेशा मीठा वाणी की बे समय पर हमेशा ब्रह्म मुहूर्तम उठ जाना है। बेटी ब्रह्म मुहूर्तम उठ के हृदय में गुरु के नमन करबे। गुरु के नमन करे के पश्चात हृदय में अपन माता पिता ला हृदय में धारण करके प्रणाम करबे। ओकर पश्चात धरती माता के प्रणाम करबे। बेटी सीता अब धरती माता के प्रणाम करके तुर साक्षात तुर सास ससुर के चरण में गिर के तुर जीवन भर के लिए पति तुर देवता के समान हो ही सीता। पति ला सम्मान करबे। पति से बढ़कर संसार में कोनो नहीं। माता अनुसुईया सीता ला यही अत्रि मुनि के आश्रम में सीखा मिले। कौन कौन प्रथा दाय हो अपन पति के रोज पाओ हाथ उठाओ नहीं पर्वत का जन्म परत हुई तेकर में डंडा शरण भोलन के पाप पर हूँ मंजिले उठ गए। चलो अत का दिन ले नहीं पड़े आज से कौन कौन पर हूँ हाथ उठाओ नहीं परवन का हाथ ऐसे ले मत पर। माता अनुसुईया के द्वारा माता जगत जननी सीता पति के हम सम्मान करें पति का आदर करें पति का सत्कार करें। आज भी यही चित्रकूट में पुनबम परमात्मा भगवान राम रघुपति चित्रकूट बसिनाना चरित किए श्री सुदा समाना बहुरी राम अस मन अनुमाना हो ही भीर सबही मोही जाना। आओ वही बात के आओ फिर एक भजन फिर आप सब जोड़ लखन श्री रामचंद्र की जय। बहुत प्यारा से भजन जैन आप हम सब सुने में आनंद आए जैन ला आप अनुराग धारा में और जिला महादेव हिरवानी जी के सुंदर सुर में सुनथन जैन गीत आप सबके बीच में हमर एकल गीत ज्ञानदास मानिकपुरी जी के जैन कलयुग में हुआ थे कलयुग मन जन नहीं सुधरथन हमर संस्कृति हमर धरोहर हमर चिन्हारी के जन सम्मान बिगड़त है। जेकर कलयुग मन के जन जतका कलयुग मन है जेकर जीव यात्रा में जिन चरितार्थ भरे है बहुत छत्तीसगढ़ी एक भजन आप सबके बीच में लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। हरे आषाढ़ भमरा तिपथ भैया तिपथ भरे आषाढ़ भमरा तिपथ हो औ जेठ मा बादर छावत लाज शरम सब उघरा गिंजरे कलिया कल जुग आवाथे। लाज शरम सब उघरा गिंजरे कलिया कल जुग आवाथे।
भरे असाल मभुमुरति पाथे भरे असाल मभुमुरति पाथे जेठ मा बादर छावाते लाज शरम सब भुखरा किंजरे करिया कल जुग आवाते भैया लाज शरम सब भुखरा किंजरे करिया कल जुग आवाते दिन मा दस बेर झूठ बोलैया कुंवर कलेवा खावा थे हरिश्चंद्र के बघवा बेटा दाना पर लुलवावा थे दिन मा दस बेर झूठ बोलैया कुंवर कलेवा खावा थे हरिश्चंद्र के बघवा बेटा दाना पर लुलवावा थे छाती फूलों के पापी दौड़े छाती फूलों के पापी दौड़े धर्मी मन खोरवावा थे या शरम सब घुरा गिंजरे करिया कल जुग आवा थे लाज शरम सब घुरा गिंजरे करिया कल जुग आवा थे सिधवा मन खेला भोकवा कहत गे गदहा गुनी कहावा थे चोरी चपाटी ले पैसा कमैया काजू बादाम उड़ावा थे सिधवा मन खेला भोकवा कहत गे गदहा गुनी कहावा थे चोरी चपाटी ले पैसा कमैया काजू बादाम उड़ावा थे डांगर तेरैया प्यूरा भर के डांगर तेरैया प्यूरा भर के कोचिया मन हरियावा थे लाज शरम सब घुरा गिंजरे करिया कल जुग आवा थे लाज शरम सब घुरा गिंजरे करिया कल जुग आवा थे भरे असाल मभुमुरति पाथे भरे असाल मभुमुरति पाथे जेठ मा बादर छावाथे लाज शरम सब घुरा गिंजरे करिया कल जुग आवाथे भैया लाज शरम सब घुरा गिंजरे करिया कल जुग आवाथे लाज शरम सब घुरा गिंजरे करिया कल जुग आवाथे लाज शरम सब घुरा गिंजरे करिया कल जुग आवाथे लाज शरम सब घुरा गिंजरे करिया कल जुग आवाथे हरि भरत प्रिय राम चंद्र की जय जय गंगा मैया मानस मंडली निरारा चंडी बेमेतरा के संतों को बहुत बहुत धन्यवाद है सचमुच में साथियों आप लोगों का